कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर सत्ता में घमासान जारी है। चौतरफा हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आइटम वाले बयान पर खेद जताया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और अगर कोई सोचता है ये असम्मानित है तो मुझे इस बात का खेद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, आज बीजेपी को एहसास हो रहा है कि वो हार नहीं रहे, वो पिट रहे हैं, इसलिए वो ध्यान भटका रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में चुनाव के असली मुद्दे 15 साल और पिछले 7 महीने के मुद्दों से लोगों का ध्यान मोड़ना चाहते हैं। ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी बोल दो, मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। इमरती देवी पर की गई टिप्पणी को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ये कहते हैं कि मैंने असम्मानित बात की है। कौन सी असम्मानित बात, मैं तो महिलाओं का सम्मान करता हूँ, अगर कोई सोचता है ये असम्मानित है तो मुझे इस बात का खेद। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा कि उन्हें इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं राहुल के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि वो उनकी अपनी राय है, अगर किसी को अपमान महसूस हुआ है मैं पहले ही खेद जता चुका हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP भारत।